फ्रेंड आधार कार्ड का उपयोग एक पक्के और सेफ डॉक्यूमेंट के रूप में किया जाता है और आप आधार कार्ड से सिम भी इशू करवा सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी तक आपके आधार कार्ड से कितने सिम इशू करा लिए गए हैं? सो फ्रेंड इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से कितने सिम रजिस्टर्ड हैं और जो वो सिम है उसको आप ब्लॉक भी करवा सकते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं एमजी टेक हिंदी। सो फ्रेंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। सो फ्रेंड चलिए मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ। सो फ्रेंड मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है और यहाँ से आप देख सकते हैं जो टेलीकॉम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है TAF कॉर्प, वहाँ से आप जाके और अपने मोबाइल का डिटेल चेक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से कितने नंबर रजिस्टर्ड हैं। सो फ्रेंड सबसे पहले आपको इस वाले बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। सो फ्रेंड यहाँ से अपना जो भी मोबाइल नंबर है वो एंटर कर लीजिएगा और यहाँ से रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर दीजिएगा। सो फ्रेंड मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर दे रहा हूँ, उसके बाद से जो OTP आएगा उसको आप एंटर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड जैसे ही आप एंटर कर देंगे तो आपको ये वाला पेज ओपन होके आ जाएगा। सो फ्रेंड ये वाला पेज जैसे ही ओपन होगा आप यहां से चेक कर सकते हैं कि जो मेरा आधार कार्ड है उससे इतने नंबर रजिस्टर्ड है। सो फ्रेंड ये देख सकते हैं कि यहां पे तीन नंबर जो हैं जो शो कर रहे हैं, ये तीनों नंबर मेरे आधार कार्ड से रजिस्टर्ड हैं और इससे मेरे आधार कार्ड से इशू कराए गए हैं। सो फ्रेंड अगर किसी भी नंबर को आप यहां से ब्लॉक करना चाहते हैं, मतलब रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली उसको आप यहां से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से आप जैसे ही यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये नंबर रिपोर्ट हो जाएगा और इसके बाद से इसको बंद कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड इस तरह से आप अपने जो आधार कार्ड से लिंक किए गए मोबाइल नंबर की जानकारी ले सकते हैं और उसकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और इस तरह से आप और भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड चलिए मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।